नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सब रंग में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी सारी बातें सारे दिन आपके साथ साथ रहती हैं, जिसका लक्ष्य है कि आपका सवेरा बहुत सुंदर हो, सारा दिन भी बहुत सुखद और सुंदर हो। मित्रों, कहते हैं कि जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। यदि आपको अच्छी, सुंदर, श्रेष्ठ फसल चाहिए तो आपको बीज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि फसल निकल आया और उसके बाद आप ध्यान दें, ये सोचें कि अरे कैसा फसल निकला है, तो बात नहीं बनेगी। बात तो बनती है तब जब हम बीज की ओर ध्यान दें। इसीलिए हम सुनते आए हैं, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो सुंदर सुवाक्य आज का इसी पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सुवाक्य से। हर दिन का आकलन उस फसल से मत करो जो तुम काटते हो, पर उस बीज से करो जो तुम बोते हो। रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। फल तो कर्म की परछाई है, जो ना चाहते हुए भी उसके पीछे आएगी ही। तो क्यों ना हम अपनी सारी क्षमता, सारा विवेक कर्म करने में लगाएं, उसे पूरे उमंग, उत्साह और एकाग्रता से करें, अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करें, बिना फल की चिंता किए। परमात्मा शिव ने भी गीता में यही कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मित्रों, बच्चे हों, युवा हों या वृद्ध हों, सभी को सुंदर दिखने की चाहना तो रहती है और इसके लिए वो नाना प्रकार के यत्न भी करते हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, तो इसका भी एक अच्छा प्रभाव रहता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। लेकिन यदि चेहरे पे यदि काले दाग धब्बे हों तो कहीं ना कहीं मन में हीन भावना आ जाती है। तो घबराइए नहीं, आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में आज हम लेकर आए हैं ऐसी सुंदर युक्तियाँ जिससे आप चेहरे के काले दाग धब्बे से निजात पा सकते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर अल्पा शाह जी को। ओम शांति। त्वचा पर काले धब्बे कई पेशेंट्स में देखे गए हैं, आमतौर पर महिलाओं में देखा जाता है, तो इसके लिए विशेष खान पान में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि विरुद्ध आहार को अवॉइड करना है त्वचा के जो भी बीमारियां हैं उससे दूर रहने के लिए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं उसे अगर मसालेदार पदार्थों के साथ लिया जाए तो ये एक विरुद्ध आहार हो जाता है। विरुद्ध आहार अर्थात ऑपोजिट नेचर वाले पदार्थों का एक साथ ग्रहण करना, इसके कारण रक्त दुष्टि होती है और जिसके कारण त्वचा विकार होते हैं, तो इससे हमें दूर रहना है। और दूसरा, लगाने के लिए क्या यूज़ करें, तो उसके लिए कैबेज ले, उसको ग्रेट करें, उसका जूस निकालें, उसमें 2 से 3 ड्रॉप हनी डालें और फिर उसे सुबह शाम आधा घंटा चेहरे पर लगाएं। रोज़ ऐसे करते रहने से लगभग देखा गया है प्रैक्टिस में 3 महीने में काले दाग चले जाते हैं, तो इसे ज़रूर अपनाएं। ओम शांति। दोस्तों, हमने जाना चेहरे पर काले दाग धब्बों के बारे में। आइए अब देखते हैं 8 ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमें इन दाग धब्बों से बचाते हैं। पहला, नींबू और शहद। दूसरा, एलोवेरा जूस। तीसरा, पपीता। चौथा, ग्रीन टी। पांचवा, छाछ। छठा, टमाटर। सातवां, सरसफल। आठवां, शकरकंद। इन 8 खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करने से
हम चेहरे के दाग धब्बों से बचे रहेंगे। मित्रों, सबरंग में हम घर बैठे आपको पूरे भारत के दर्शन कराते हैं, आध्यात्मिक भारत के दर्शन, भारत की कला और संस्कृति के दर्शन। और निश्चित रूप से आप इसका आनंद ले रहे होंगे घर बैठे कि कभी हम कहीं कभी कहीं बिना टिकट के ही पहुंच जाते हैं और अपने देश के गौरव को देखते हैं। आज आपको हम लिए चल रहे हैं ऐसे स्थान पर जिसके लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये भारत का हीरा है, और साथ ही लॉर्ड इरविन जी ने इसके लिए कहा था कि ये पूरब का स्विट्जरलैंड है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। आइए चलते हैं मणिपुर। मणिपुर कहा जाता है रत्नों की भूमि। यह राज्य है ही इतना खूबसूरत कि इसकी सुंदरता की तुलना होती है रत्नों से। अपने स्थानीय संस्कृति और परंपरा के लिए मशहूर मणिपुर को ब्रिटिश काल के दौरान राजाओं का राज्य भी कहा जाता था। बेहद शांत और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य, पहाड़ों, झरनों और अनोखी वाइल्ड लाइफ, तैरते हुए द्वीप, इन सब खूबियों से भरा है मणिपुर। एक और चीज जो आपका दिल जीत लेगी वो है यहाँ के लोग, जो इतने शांत हैं कि थोड़ा वक्त बिताने के बाद ही वो अपने से लगने लगते हैं। यहाँ के लोगों का शानदार हस्तशिल्प देख के पता चलता है कि इनकी कला कितनी समृद्ध है। सभी धर्म और जाति के लोग यहाँ शांति से रहते हैं। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है। मणिपुर का मणिपुरी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जिसे यहाँ रासलीला भी कहते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं गोविंद जी मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, कान्हा मंदिर, बंशीबुडौन मंदिर। वहीं ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा सभी शहरों तथा छोटे छोटे गांवों में राजयोग तथा अध्यात्म की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करवाई जाती है। तो ये थी दोस्तों मणिपुर से जुड़ी कुछ अनूठी बातें। मित्रों, कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर सी बात कही है कि जब मैं इस संसार में आया तो मैं रो रहा था और लोग हंस रहे थे, लेकिन जब मैं इस संसार से जाऊं तो ऐसे जाऊं कि मैं हंसता हुआ जाऊं और लोग रोएं। रोएं अर्थात मेरी यादें, मेरी बातें, मेरी सीख, ये सारी चीज़ें उनके हृदय में इस कदर बसी हों कि याद भुलाया ना जा सके। ऐसी ही एक महान आत्मा थी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के आदरणीय ब्रह्मा कुमार लक्ष्मण भाई जी, जिनकी यादें आज भी सबके जेहन में ताज़ा हैं, जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। आइए महकती यादों में उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। आदरणीय भ्राता लक्ष्मण जी का नाम बड़े आदर पूर्वक लिया जाता है। आप तन मन धन समय श्वास संकल्प सहित पूर्ण यज्ञ में समर्पित दधीचि ऋषि के समान थे। ओजस्वी वाणी के धनी आदरणीय भ्राता लक्ष्मण जी सदा बेहद सेवा के चिंतन में रहने वाले थे। आप लौकिक रूप से शिक्षक थे और पदोन्नत होकर शिक्षा अधिकारी बने। जहां जहां भी आपका तबादला हुआ, उस क्षेत्र की अनेकानेक आत्माओं में आपने ज्ञान का बीज बोया। अनेक गीता पाठशाला और सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। आप प्रोजेक्टर और प्रदर्शनी से गांव गांव में बहुत सेवा करते थे, जिसकी प्रशंसा प्यारे बाप दादा समय प्रति समय साकार मुरलियों में करते रहे। अपनी पाई पाई यज्ञ सेवा में सफल करते हुए आपने बहुत सादा पर उच्च विचारों के साथ जीवन जिया। सोनीपत के समीप यज्ञ को मिली लगभग 40 एकड़ जमीन को निर्माण कार्य के लिए निर्विघ्न बनाने में आपने अथक प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की। ऐसी स्नेही, अथक सेवाधारी, त्यागी तपस्वी, एक नामी इकोनॉमी की धनी महान आत्मा को हम कदापि भूल नहीं सकते हैं।
गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। हम सब ये सुनते आए हैं, सचमुच गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु इस शब्द का अर्थ ही है जो अंधकार को दूर करने वाला है। आज गुरु परब है, आइए गुरु को नमन करते हुए उनकी महिमा में ये सुंदर प्रस्तुति देखें। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 355वें जन्म दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब की धरती वीरों फकीरों शूरवीरों की धरती है, जहां समय समय पर अनेकों महान शख्सियतों ने जन्म लिया और अपने शुभ कर्मों और महान बलिदानों से पूरी मानवता को सत्य के मार्ग पर चलते हुए बड़े से बड़ा त्याग करने की प्रेरणा दी। एक ऐसी ही महान आत्मा का जन्म 9 जनवरी को पूरे पंजाब में और श्री पटना साहिब में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ, ज्योति ज्योत रनी संपूर्ण थी आरा। पृथ्वी में कोई देश अच्छा नहीं लगता पटना सभा, सबसे अच्छा देश पटना शहर गुरु गोविंद सिंह महाराज का। 1,25,000 से एक लड़ा होता है नाम गोविंद सिंह को। हाँ, पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा गुरु नहीं जो गुरु यहाँ है। आज प्रकाश पर्व है। उनकी महानता और उनके जीवन को जीने का ढंग उनकी इस रचना से साफ साफ झलकता है। देशवा पर मोहे इहे शुभ कर्मन्ते कभौ न तरु, ना डरो अरस्यो जब जाए लड़ो। जिसका अर्थ है कि हे परमपिता परमात्मा शिव, मुझे ये वरदान दो कि मैं शुभ कर्मों के रास्ते पर चलने से कभी ना फिसलूं, जीवन के किसी भी युद्ध से ना डरूं और निश्चय से अपनी जीत करूं। ऐसे आदर्श जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और एक परमपिता परमात्मा शिव की याद से साहिब श्री गोविंद सिंह जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। मित्रों, गुरु की महिमा हमने देखी। परम सद्गुरु परमात्मा भी यही कहते हैं कि तुम मुझे तो मानते हो लेकिन मेरी कितना मानते हो। हम कहते हैं ना कि मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन सचमुच हम सब भगवान को मानते हैं, अपने परम सद्गुरु को मानते हैं। हमें आज देखना है हम उस परम सद्गुरु की कितना मानते हैं। यदि उसकी माने, उसकी ओर देखें, उसकी राह पर चलें, तो जीवन तो निष्कंटक हो जाएगा, सुख शांति और खुशहाली से भर जाएगा, जिसकी हम सब कामना करते हैं। तो आए आज के सुंदर परब के दिन, गुरु परब के दिन, हम परम सद्गुरु के पद चिन्हों पर चलने, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाने का भी सुंदर संकल्प लें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।